वेलकम टू एल्बिस्टैक। आज हम एक लैब परफॉर्म करेंगे जिसमें हम एक लैम्डा फंक्शन लिखेंगे और ये लैम्डा फंक्शन EC2 इंस्टेंस की स्टेट यानी कि स्टार्ट और स्टॉप के प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में और इंडिविजुअली भी जब आप अपना अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारे इंस्टेंसेस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट होते हैं और हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे उनको स्टॉप करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस अगर हम कोई पर्सन हर टाइम अवेलेबल हो और स्पेसिफिक टाइम पे ऑनलाइन आए और बैठ के उसको स्टार्ट करे और फिर रात के टाइम नॉन प्रोडक्शन आवर्स के अंदर हमें उसको स्टॉप करना पड़े तो ये सारा काम एक काफ़ी हेडेक क्रिएट कर देता है। इसीलिए इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए AWS की सर्विस है लैम्डा फंक्शन। हम उस फंक्शन को, उस सर्विस को यूज़ करके एक पाइथन का फंक्शन लिखेंगे जो कि ये सारा प्रोसेस खुद परफॉर्म करेगा। इस फंक्शन के लिए हमारे पास कुछ प्रीरिक्विजिट्स भी होते हैं, क्योंकि हमें स्टार्ट करने के लिए लैम्डा फंक्शन के लिए हमें कुछ पॉलिसी लिखनी पड़ती है। हम सबसे पहले पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे अपनी लैब को, एक IAM की पॉलिसी लिखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉलिसी यूज़ करेगा IAM रोल और उस रोल की ज़रूरत होती है वाइल क्रिएटिंग लैम्डा फंक्शन। जब हम लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें IAM रोल अटैच करना पड़ता है और उस रोल के अगेंस्ट जो पॉलिसी होती है वो परमिशंस होती हैं जो कि लैम्डा फंक्शन को मिलती हैं कि वो EC2 इंस्टेंस के ऊपर की इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसकी स्टेट गैदर करता है और उसकी स्टेट चेंज करने की कैपेबिलिटी उसको मिलती है। और साथ में क्लाउड वॉच को भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि क्लाउड वॉच ही वो सर्विस है जो कि ऑटोमेटिकली किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर जब हम चाहते हैं हमें वो चीज़ स्टार्ट करनी है अपनी इंस्टेंस सर्विस या हमें स्टॉप करनी है तो उसके लिए हमें क्लाउड वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग AWS कंसोल के ऊपर लॉगिन कर चुके हैं। AWS लॉगिन करने के बाद हमारा फर्स्ट एक्शन ये है कि हमें IAM की पॉलिसी लिखनी है और उस पॉलिसी के अंदर हम स्पेसिफिकली ये डिफाइन करेंगे कि हम हमारे लैम्डा फंक्शन को EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट करने या स्टॉप करने की कैपेबिलिटी यानी कि परमिशन है और लॉग्स क्रिएट करने की यानी कि क्लाउड वॉच के अंदर लॉग्स जो है वो इवेंट रखने की भी और इवेंट्स को गेट करने की भी परमिशन होगी। तो वो सारी परमिशन मैंने पॉलिसी एक लिख के रखी हुई है। इट्स वेरी इजी वे टू क्रिएट इट। अगर आपने कभी क्रिएट ना भी की हो तो आप सिंपल पॉलिसीज पर जाएंगे और पॉलिसीज के ऊपर जाने के बाद आप क्रिएट पॉलिसी पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको सिर्फ ये दिखा देता हूँ कि आपने क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई कोड है जो कि इजीली आपको, ये जो मैंने पाइथन का कोड, सॉरी जो जेसन की ये एक पॉलिसी लिखी हुई है, ये मैंने नहीं लिखी हुई, ये मैंने आपको इजीली AWS की अपनी वेबसाइट से ही मिल जाएगी जो कि डिफॉल्ट एक कह सकते हैं कि पॉलिसी है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। बट यू कैन मॉडिफाई इट एज वेल। अगर आप किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को देना चाहते हैं देन यू कैन डिफाइन द ARN ऑफ दैट रिसोर्स। बट मैं इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता, आप इजीली ये पॉलिसी इसको यूज कर सकते हैं। मैं जो भी इसका AWS की वेबसाइट का लिंक है जहां पर ये पॉलिसी अवेलेबल है वो उसका मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग उस लिंक को यूज करके इजीली ये पॉलिसी क्रिएट कर सकेंगे। अगर आपने क्रिएट करनी है, आपके पास पहले एग्जिस्टिंग है, तो आप वो यहां पर जस्ट पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट टैग पे जाएंगे, टैगिंग करनी है और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉलिसी इस फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होगी जो कि मैं क्रिएट कर चुका हूँ। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं बट ऐसा नाम देना चाहिए जिससे आप इसको हमेशा यूज कर सकें, ये ना हो कि आपको हर दफा इसको हमेशा क्रिएट करना पड़े। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप ये है कि आपने जब IAM की पॉलिसी क्रिएट कर ली होगी देन यू कैन गो टू द IAM रोल। ये रोल भी मैंने क्रिएट किया हुआ है लेकिन मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्रिएट करूंगा ताकि आप लोगों को रोल क्रिएट करने की भी एटलीस्ट प्रैक्टिस आपके पास हो जाए। सो अब हम यहाँ क्लिक करते हैं क्रिएट रोल के ऊपर। क्रिएट रोल के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चूज करनी है कि कौन सी सर्विस यूज केस है आपका। तो हम लोगों ने लैम्डा को यूज करना है, हम जस्ट लैम्डा को क्लिक करेंगे, परमिशंस पे जाएंगे। परमिशंस पे जाने के बाद यहाँ पर आपने वो पॉलिसी, ये बी केयरफुली, आपने वो पॉलिसी अटैच करनी है जो आपने यहाँ पर क्रिएट की थी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर आप लिखते हैं लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा की बहुत सारी आएंगी लेकिन सबसे लास्ट के ऊपर है लैम्डा फंक्शन EC2 इंस्टेंस। ये वही पॉलिसी जो मैंने क्रिएट की थी, मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूंगा, टैग करूंगा। अगर मुझे टैग करना है, आप यहाँ पर टैगिंग जरूर यूज किया करें, टैगिंग की के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली बिलिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लेता हूँ लैम्डा फंक्शन EC2 इंस्टेंस रोल।
आप इसको सॉरी इसको यूज कर सकते हैं। रिव्यू बजाएंगे और यहाँ पर नाम देते हैं, ये नाम आपने जो भी देना है, लैम्डा फंक्शन EC2 इंस्टेंस प्रो, नेम आप वही बेशक दे दें। अच्छा, ये पहले एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने अभी क्रिएट किया हुआ था, इसलिए मैंने इसको हाइफन 2 कर दिया, बट मैं क्रिएट नहीं करता, बस आप क्रिएट का क्लिक करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगी एंड देन आपके पास यही चीज आ जाएगी जो यहाँ पर क्रिएटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस रोल के ऊपर गया हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास वो पॉलिसी अटैच्ड है जो कि मैंने क्रिएट की हुई थी। ये बात हमेशा याद रखना कि सेम नेम का रोल दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन एक पॉलिसी मल्टीपल जितने मर्जी आप क्या नाम है रोल्स के साथ, यूजर्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो रोल है वो सेम नेम का नहीं होगा, ऑब्वियसली सेम नेम का यूजर नहीं होगा, सेम नेम का ग्रुप नहीं होगा, सेम नेम की पॉलिसी भी नहीं होगी ऑब्वियसली। लेकिन ये कि मतलब मेरा समझाने का ये है कि रोल आप मल्टीपल एक पॉलिसी मल्टीपल रोल्स के साथ, यूजर्स के साथ या ग्रुप्स के साथ अटैच कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर जाते हैं जो कि है हमारा लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करना। मैं इसको लास्ट स्टेप नहीं कहूंगा बल्कि मैं इसको इसलिए यहाँ पर हम लोग एक दफा लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के बाद मैं आपको एक EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट करके रखूंगा जो मैं क्रिएट करूंगा आप लोगों के सामने, और फिर उसको ही मैं अटैच करूंगा इस लैम्डा फंक्शन के अंदर। उसकी जो EC2 इंस्टेंस आईडी होती है, इंस्टेंस आईडी होती है, वो मैं अटैच करूंगा लैम्डा फंक्शन में, डिफाइन करूंगा और फिर हम उसको यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप फंक्शन का नाम दे दें, लैम्डा फंक्शन EC2 स्टेट्स मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमें स्टेट्स मैनेज करनी है। तो आपने अच्छा ऑथर फ्रॉम स्क्रैच लिखना है बिकॉज हमारे पास कोड अवेलेबल है, पाइथन का स्क्रिप्ट अवेलेबल है, हम उसको यूज करेंगे। पाइथन 3.8 सेलेक्ट कर लें यहाँ से। परमिशंस के अंदर हमने जो रोल क्रिएट किया हुआ था हम लोग एग्जिस्टिंग अपना रोल यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर जस्ट क्लिक करें और उसके बाद उस रोल को यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लें, बाकी किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग क्रिएट फंक्शन पर क्लिक करेंगे, ये फंक्शन जैसे ही क्रिएट होगा मेरे पास कोड अवेलेबल है पाइथन का स्क्रिप्ट, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा और उसी को यूज करूंगा। ओके, ये स्क्रिप्ट है, हम यहाँ पर जो एक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट लिखा होता है हम उसको रिमूव करके अपना स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर देंगे। मैं आपको स्क्रिप्ट भी डिफाइन कर देता हूँ। अब ये जो स्क्रिप्ट है पाइथन का, इट्स वेरी इजी, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली रीडेबल फॉर्म में हो। अच्छा, ये Boto3 लाइब्रेरी है जो कि AWS की पाइथन के लिए अवेलेबल है, Boto SDK भी इसको कहते हैं, AWS की अवेलेबल है और इसमें इसको यूज करके आप AWS की कंप्लीट SDK है, ये किसी भी सर्विस को मैनेज कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ रीजन का, किस रीजन में आपका वो इंस्टेंस है, आपने वो रीजन यहाँ पर स्पेसिफिकली डिफाइन करना है। हमारा यहाँ पर नहीं है, हमारा लंदन हम यूज करें तो हम लंदन ही यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो लंदन की आईडी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इट्स EU West 2, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे EU West 2। इसके बाद हम यहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंसेस भी दे सकते हैं और सिंगल इंस्टेंस भी दे सकते हैं। अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो हम इस तरह कॉमा सेपरेट इनको डिफाइन करते जाएंगे और एक अरे बना लेंगे और उसके अंदर हम जितनी भी आईडीज डालेंगे वो ये फंक्शन तमाम उन इंस्टेंसेस के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। हमारे केस में एक ही इंस्टेंस है आईडी है, तो मैं यहाँ पर एक ही इंस्टेंस आईडी लगाऊंगा और उसकी आईडी मैं जब क्रिएट कर लूंगा इंस्टेंस, उसकी आईडी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ये एक वेरिएबल EC2 का डिफाइन किया जिसमें Boto की लाइब्रेरी यूज करके रीजन यहाँ पर सेट होगा EC2 का और ये उसकी ये जो वैल्यूज हैं वो फंक्शन में चली जाएंगी। फंक्शन के अंदर इवेंट और कॉन्टेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे, ये इंस्टेंस आईडी जो भी हमने यहाँ पर सेट की होगी, इंस्टेंस आईडी या एक है या मल्टीपल है, ये EC2 इंस्टेंस स्टॉप करेगा सबसे पहले ये फंक्शन और उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देगा कि स्टॉप्ड योर इंस्टेंस और उसके बाद जो भी आपकी इंस्टेंस आईडी है उस इंस्टेंस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको शो कर देगा। ओके, सो फर्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक दफा रिमाइंड करा दूं कि अभी मैंने सिर्फ फंक्शन ये स्टॉप का लिखा है, नेक्स्ट पार्ट की जो मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं स्टार्ट का भी लिखूंगा, अभी सिर्फ हम स्टॉप इंस्टेंस करने को देखेंगे। तो इसलिए हम एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करते हैं EC2 इंस्टेंस में जाके, लॉन्च इंस्टेंस में जाते हैं और यहाँ से इंस्टेंस एक क्रिएट कर लेते हैं, मेरे ख्याल Ubuntu 20 का ही इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। T2 माइक्रो डिफॉल्ट सारी सेटिंग्स रहने देते हैं, डिफॉल्ट स्टोरेज बिकॉज इट्स जस्ट अ डमी इंस्टेंस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लैम्डा फंक्शन
टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप। अभी सिक्योरिटी ग्रुप और ये चीजें मैटर नहीं करती, आप बेशक डिफॉल्ट रहने दें, जो जो चीजें हैं सब कुछ वैसे ही रहने दें, और इसकी कोई भी अगर आपने की आपके पास है तो आप वही अटैच कर दें, क्योंकि हमने इसको एक्सेस भी नहीं करना। ये जस्ट हम लोगों ने एक डमी इंस्टेंस क्रिएट किया जिसको हम जस्ट यूज करेंगे फॉर द टेस्टिंग पर्पजेस। इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इसके इंस्टेंस के क्रिएट होने का थोड़ा सा वेट करते हैं, जब ये प्रॉपरली रेडी हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, इंस्टेंस इज रेडी और इंस्टेंस रनिंग फॉर्म स्टेट में आ चुका हुआ है। ये इसकी इंस्टेंस आईडी है जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी। इसका रीजन इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं पहले ही चेंज कर चुका हुआ हूँ, रीजन ईयू वेस्ट हुई है, हम उसको यूज करेंगे जो कि मैंने मेरे ख्याल से अपडेट कर दिया था। हाँ जी, और अब यहाँ पर हम लोग इंस्टेंस आईडी गेट करते हैं, यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे विद अ सिंगल इंस्टेंस, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्टेंस है तो हम उसको यूज करेंगे। इस फंक्शन के लिए कुछ सेटिंग्स हैं वो हम लोग अपडेट कर लेते हैं जस्ट फॉर द बेटरमेंट पर्पजेस के। इसमें इसका जो टाइम आउट है वो हम 3 सेकंड से इंक्रीज करके 10 सेकंड्स कर देते हैं, बिकॉज ये टाइम आउट यूज होता है कि अगर एक फंक्शन इस टाइम आउट से ज्यादा टाइम लेगा तो तब भी आपका फंक्शन फेल हो जाता है, और यानी कि आपने डिफाइन एक स्पेसिफिक ही टाइम फ्रेम करना होता है, ना कि आप अगर कम कर देंगे तो भी नुकसान होगा, ज्यादा करेंगे तो भी, वो ज्यादा का इतना नुकसान नहीं होता, बट एटलीस्ट जो है वो आपका फंक्शन विद इन अ रेंज कि आपको पता हो एस्टिमेटेडली कि कितना टाइम लेता हो तो आप उसको अपडेट कर दें। इसको अपडेट करने के बाद हम इस फंक्शन को पहले एक दफा मैनुअली टेस्ट करेंगे, जब ये मैनुअली टेस्टिंग हमारी पास हो जाएगी तो फिर हम इसको ऑटोमेट करेंगे यूजिंग द क्लाउड वॉच। ओके, सो एवरीथिंग इज रेडी। अब हम लोग ऐसे करते हैं कि एक दफा इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिप्लॉय पे जरूर क्लिक करना है, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम क्लिक करता रहता हूँ इसलिए चेंजेस सेव होगी, अदरवाइज अगर आप टेस्ट पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस सेव नहीं होती। तो एक दफा आपने डिप्लॉय पे क्लिक करना है ताकि आपके कोड जो है वो सेव हो जाए, और उसके बाद आपने टेस्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख लें, टेस्टिंग लिख लें, EC2 इंस्टेंस स्टॉप समथिंग, और इसको इस तरह रहने दें, इट्स जस्ट अ हेलो वर्ल्ड। अभी हम लोग इसको सिर्फ इस तरह सेव कर देते हैं, अदरवाइज आप इसको प्रॉपर इवेंट के साथ भी एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट पे क्लिक करेंगे, और एग्जीक्यूशन की कंफर्मेशन ये है कि आपके पास लॉग्स में यहाँ पर आ रहा है स्टॉप योर इंस्टेंस, वो जो आप हमने प्रिंट में स्टेटमेंट डाली थी, और हम जल्दी से जाके यहाँ पर देखते हैं, ये पहले रनिंग में था, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर इसकी स्टेट स्टॉपिंग आ गई है, ये स्टॉपिंग पे चला गया है, और इट्स मीन कि हमारा जो फंक्शन है उसने सही से काम किया है और उसने स्पेसिफिकली इस इंस्टेंस को स्टॉप किया है। मेरा जो दूसरा इंस्टेंस चल रहा था वो भी देख लें आप चल रहा है, और लेकिन ये जो इंस्टेंस है ये स्टॉप स्टेट में चला गया है। सो हम ऐसा करते हैं कि इसको दोबारा स्टार्ट कर देंगे, मैंने स्पेल्स गलत लिख दी, इसको स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं क्लाउड वॉच के थ्रू। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्लाउड वॉच की तरफ, क्लाउड वॉच को एक्सेस करते हैं सबसे पहले की सर्विस, एंड देन हम लोग इवेंट क्रिएट करेंगे क्लाउड वॉच में, जिसके थ्रू हम लोग अपने लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करेंगे, और लैम्डा फंक्शन फिर EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करेगा। तो इसको सबसे पहले एक्सेस करते हैं सर्विस को, सर्विस एक्सेस हो चुकी है, इवेंट्स में जाएंगे, इवेंट्स के अंडर है रूल्स, इन रूल्स में हमें सबसे पहले एक रूल क्रिएट करना है, और इसमें हम डिफाइन करेंगे अपनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के, जिस टाइम फ्रेम पे हमें इसको स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, क्योंकि अभी हमारा फंक्शन स्टॉप का है तो हम यहाँ पर टाइम फ्रेम डिफाइन करेंगे कि हमें उसको किस टाइम स्टॉप करना है, और उसके बाद हम ट्रिगर सेट करेंगे लैम्डा फंक्शन।